नाम पर रोजाना करोड़ों रुपए के नींबू और हरी मिर्च बर्बाद कर देते हैं भारतवासी। रोजाना और विशेषकर मंगलवार व शनिवार वाले दिन ऐसे लोग एक नींबू और सात हरी मिर्च को धागे में पिरोकर अपने वाहन के आगे और दुकान में टांग लेते हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से उनके व्यवसाय को नजर नहीं लगती और ग्राहक भी ज्यादा आते हैं। उन्हें ऐसा करते समय जरा भी आभास नहीं होता कि वो रोजाना देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। ऐसी अंधविश्वास वाली बातों का विरोध करने वाली सोसाइटी लोगों को इसके खिलाफ रहने के लिए आगाह कर रही है। मैं होजरी में पहले काम करते थे, तो घर आ रहे थे रोटी खाने के लिए, तो गाड़ी ने मार दिया साइकिल में। एक्सीडेंट से मैं गिर गया, मेरा पैर हाथ का हड्डी टूट गया, तो मैं काम छोड़ दिया, मेरा रोजी बंद हो गया। मैं बीवी बच्चों कैसे खिलाऊं पिलाऊं, तो किसी ने बतलाया कि तू नींबू मिर्ची ले आ मार्केट से, अब बना के घर में दुकानें दुकान लगा दे, तेरा रोटी पानी बच्चे का चल जाएगा। तो मैं यही काम करने लगा, मेरा हाथ तो कमज़ोर हो गया, तो मैं भारी काम कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे ही ऑटो में गाड़ी में लगाते हैं, बाकी दुकान उकान में लगाते हैं। नहीं बचाते तो ठीक है, लाके सारे करते हैं, भी कल ठीक है, चंगा मनाया जाता, कहते चंगा मनाया जाता, शुभ भी है, कोई माड़ी गल भी है नहीं, भी नींबू है कोई बहम भी नहीं, कोई ग्रह भी नहीं, कोई भी नहीं है, वो उदा ही चंगा होंगे वा ठीक है टंग दे बल। बाकी एक नींबू है चार मिर्चा वा, हाँ जी कहते वधिया होंगे, कहते टंग दे शनिवार के हफ्ते, जो एक दिन टंगी हफ्ता वा टंगे रहता बस। नहीं कारण तो कुछ नहीं है, जब दे आए थे पहला ही डैडी टंगते आते थे, आप भी अगे टंग देता होंगे, शनिवार को टंगते हैं, अगले शनिवार उतार देंगे, बस यही है कि नज़र ना लगे किसी की, और तो कोई कारण चलता आ रहा वै, उही है इदा कोई वहम वूम नहीं है किसी चीज़ का, बस उही रीज़न करके टंगते हैं, पहले ही टंगते आ रहे हैं, आप शनिवार को टंगी दे शनिवार अगले शनिवार उतार देते। ये तुसी जो दस रहे हो बिल्कुल 100% सही गल है, ये 14 करोड़ जिहड़े नींबू मिर्चा आम दुकानदारां दे दरां दे उत्ते रख टंगियां जांदियां है, इह वाकई एक बिजनेस है, करोड़ों रुपया जिहड़ा बर्बाद किया जाता साढ़े समाज का, उन्हां लोकां वल्लों लोकां नूं दुकानदारां नूं खास तौर पर अंधविश्वास पा के ये कहा जाता भी थोड़ी दुकान बहुत चलूगी, थोड़े ग्रह कलेश ने जिहड़े मतलब ये टंगण नाल खत्म हो जाएंगे। मेरे को किन्नियां उदाहरणां लुधियाणे दीआं ने जिहड़ियां दुकानां दे मूहरे ये टंगदे आ लिया के, वो बहुतियां दुकानां तां मैं तुहानूं अपने आह मार्केट च जाके हुण भी दिखा सकदा, खुल्लियां होईयां कई दो दो महीने बाद चलदियां ने बंद हो जांदियां ने, मतलब वो उदों कित्थे हुंदी इहनां दी शक्ति। तो साडे समाज दे विच क्योंकि अंधविश्वास इस पद्धर तक फैलाउण लई साडे सियासी लोग ते सरकारां जिम्मेवार ने, बनदा तां इह है वी इत्थों दीआं सरकारां जिथे भी कितें अंधविश्वास इह दा फैलाउण वाले लोग बैठे है उहनां ते सख्ती वरतणी चाहीदी आ, क्योंकि साडा संविधान इह कहिंदा है वी कोई भी गैर विज्ञानक गल है अंधविश्वास विश्वास फैलाउण वाली भी गल है उहनूं समाज दे विच प्रचारना गुनाह है, अपराध है, पर इह अपराध सरेआम साडे समाज दे विच चल रिहा है। इत्थों दे तरह तरह के ज्योतिषी तांत्रिक बहुत तरह के बाबे इस तरह के अंधविश्वास फैला के लोगों नूं गुमराह करके लुटते हैं, तो अपनी दुकानदारियां चलाउण तों बिना कुछ नहीं है, ये एक धंधा है इन्हां लोगों का। असी तरकसी सोसाइटी वालों कल्ले कल्ले ज्योतिषी तांत्रिक जां इहो जे नींबू टंगण वाले जिहड़े लोग ने इन्हां नूं खुले रूप के चैलेंज करते हैं, किया होया तो 5 लाख रुपये का नाम रखे हुआ तरकसी सोसाइटी ने, कि कोई भी इहो जे शक्ति नाल कोई तागे तबीत नाल कोई नींबू टंग के मिर्चा टंग के किसी का कोई फायदा कर सकता है, तो असं 5 लाख रुपया देने तैयार हैं। असं इन्हों यही चाहते हाँ भी जी सा एजुकेशन सिस्टम है, विद्यक सिस्टम है, ये कितने भी यह जहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता, साड़ी पुरजोर मंग है यह सरकार तो भी यह जी अंधविश्वासों रोकने लई लोड़ है लोगों एजुकेट करन दी, लोगों शिक्षित करन दी, साडे एजुकेशन सिस्टम के विद्यक ढांचे के कितने भी यह जहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तरकसी सोसाइटी ने यही बीड़ा चुकया है भी लोगों इन्होंने अंधविश्वासों क्ढ के असलीयत बारे जाणू करवाया जाए, तो असं करवा रहे हैं।